जय श्री कृष्णा। मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के पांचवें महीने को सावन का महीना कहा जाता है। सावन का महीना भगवान शंकर की भक्ति के लिए सबसे विशेष महीना माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस महीने में शिव की उपासना करके भोलेनाथ शिव से आप मनचाहा वरदान, मनचाहा फल प्राप्त कर सकते हैं। सावन एक ऐसा महीना है जिसमें कई प्रमुख भारतीय पारंपरिक त्यौहार भी आते हैं, जैसे कि हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन। तो ये माह भक्ति, आराधना और प्रकृति के कई रंगों का एक संगम है और इसीलिए सावन के महीने को सबसे पवित्र महीना माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में किए गए उपाय यानी कि टोटके कभी खाली नहीं जाते हैं। सावन के महीने में शिव भक्त शिव की उपासना करते हैं और शिव की उपासना के कई तरीके हैं। तो इससे पूर्व हमने ज्योतिष के अनुसार सावन के पूरे महीने आप अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय कर सकते हैं, इसकी जानकारी आपके साथ शेयर की गई थी। और आज इस वीडियो में हम आपको मनोकामना पूर्ति के अचूक टोटके या उपाय जो आप सावन के महीने में कर सकते हैं शेयर करने जा रहे हैं। इन उपायों के अलावा भगवान भोलेनाथ शिव की सरल पूजा, सरल उपासना का तरीका भी इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए, कहीं ना कहीं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो शिव पुराण में विभिन्न रसों से शिव की पूजा का और उससे मिलने वाले फलों का वर्णन विस्तार पूर्वक किया गया है। ये उपाय रोगग्रस्त व्यक्ति को कई रोगों से छुटकारा दिलाने के साथ साथ मन चाहे फल की प्राप्ति में भी सहायता करते हैं। तो आइए जानते हैं किस रस का अभिषेक करने से क्या फायदा होने वाला है। सबसे पहला जो कि आप सभी लोग करते हैं, शिव को जलधारा अर्पित करना। शिव को जलधारा अर्पित करने से सुख और संतान की वृद्धि होती है। सुख व संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा शिव का पूजन सबसे अधिक उत्तम बताया गया है। इसके अलावा ज्वर से जो व्यक्ति पीड़ित है, बुखार से जो व्यक्ति पीड़ित है, उसे शिव को जलधारा चढ़ाने से बीमारी से जल्द ही छुटकारा मिलता है। तो यदि आप बुखार से पीड़ित हैं या फिर आप संतान सुख की कामना रखते हैं तो फिर नित्य नियम से भोलेनाथ शिव को जल की धारा अर्पित करें। जो लोग अपने दिमाग को तेज चाहते हैं, तेज करना चाहते हैं, खासकर जो लोग विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बड़ा ही आसान सरल उपाय, दूध में थोड़ा शक्कर मिलाकर दूध को मीठा कर लीजिए और फिर भगवान शिव को अर्पित कीजिए। क्योंकि तेज दिमाग के लिए शिव को मीठा दूध अर्पित किया जाता है। सुख श्रमदि में वृद्धि के लिए शिवलिंग पर सुगंधित तेल से शिव का अभिषेक कीजिए। यदि आप सभी प्रकार के आनंद को महसूस करना चाहते हैं तो भगवान शिव को ईख का रस यानी कि गन्ने का रस अभिषेक के रूप में अर्पित कीजिए। शिव को गंगा जल चढ़ाने से भोग व मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। टीबी रोग को दूर करने के लिए मधु यानी कि शहद शिव को धारा के रूप में अर्पित कीजिए। दोस्तों, शिव पुराण की रुद्र संहिता में भगवान शिव का विभिन्न पुष्पों से, विभिन्न फूलों से पूजन करने तथा उनसे प्राप्त होने वाले फलों का भी विस्तृत वर्णन मिलता है। चलिए देखते हैं कि शिव को कौन सा फूल, कौन सा पुष्प चढ़ाने से आपको क्या फायदा होने वाला है। लाल या सफेद रंग के आंकड़े के फूल से भगवान शिव का पूजन करने से भोग व मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। वहीं चमेली के फूल से पूजन करने पर वाहन का सुख मिलता है। तो यदि आप कोई वाहन चाहते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर की आपकी आकांक्षा है, तो आप नित्य सावन में शिव का पूजन चमेली के फूल से कीजिए। अलसी के फूलों से शिव का पूजन करने से मनुष्य भगवान विष्णु को प्रिय होता है। वहीं शमी पत्रों से पूजन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेला के फूलों से पूजन करने पर शुभ लक्षणों से युक्त पत्नी मिलती है। वहीं जूही के फूलों से शिव का पूजन यदि किया जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से शिव का पूजन करने से नवीन वस्त्रों की प्राप्ति होती है। वहीं हार श्रृंगार के पुष्पों से पूजन करने पर सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। शिव को धतूरा बेहद प्रिय है, तो धतूरा के पुष्प से पूजन करने पर भगवान शंकर सुयोग्य पुत्र का वरदान देते हैं जो कुल का नाम रोशन करता है। लाल रंग के डंठल वाले धतूरे से शिव का पूजन अति शुभ माना गया है। दुर्वा से भी शिव का पूजन किया जाता है, तो दुर्वा से शिव का पूजन करने से आयु बढ़ती है। शिव को तरह तरह के अनाज भी अर्पित किए जाते हैं। शिव धर्म ग्रंथों में भगवान शिव को विभिन्न प्रकार के अनाज समर्पित करने का विधान भी बताया गया है। चलिए देखते हैं कि कौन सा अन्न चढ़ाने पर क्या फायदा होता है। भगवान शिव को चावल चढ़ाने से धन की प्राप्ति होती है। तो यदि आप
धन की आकांक्षा से शिव का पूजन करना चाहते हैं तो नित्य नियम से भगवान शिव को चावल चढ़ाइए। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जो अर्पित करने से सुखों में वृद्धि होती है। भगवान शिव को गेहूं चढ़ाने से संतान में वृद्धि होती है। दोस्तों, कोई सा भी अन्न आप शिव को अर्पित करें, थोड़ा सा अर्पित करें शिवलिंग पर, पूरा नहीं करें, और सभी अन्न भगवान को शिव को अर्पित करने के पश्चात गरीबों में बांट देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सारा का सारा शिवलिंग पर ही अर्पित करें। शिवलिंग पर आप सूचक के तौर पर थोड़ा सा अर्पित कीजिए और बाकी का अन्न आप गरीबों में बांट दीजिए। चलिए अब बात करते हैं शिव पूजन की सबसे सरल विधि के बारे में। सावन के महीने में हर व्यक्ति शिव की पूजा अवश्य ही करता है, और कुछ नहीं तो शिव को जल तो हर व्यक्ति अर्पित करता है। तो सावन में भगवान शिव की रोज नित्य नियम से पूजा करने से एक विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन कुछ लोगों को शिव पूजन की विधि मालूम नहीं होती है और ऐसी स्थिति में वो केवल जल अर्पित करके चले आते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम आपके साथ शिव पूजन की एकदम सरल विधि शेयर करने जा रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। शिव का पूजन सावन में सुबह और शाम दोनों समय किया जाना चाहिए। तो सुबह और शाम स्नान कीजिए। स्नान करने के बाद सफ़ेद रंग के वस्त्र आप पहन लीजिए। सफ़ेद वस्त्र पहनकर किसी शिव मंदिर में जाइए। ऐसे मंदिर में जाइए जहां शिव अपने परिवार के साथ विराजित हो। शिव के साथ माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय और नंदी, इन सभी का पूजन अवश्य कीजिए। पूजा में ये ध्यान रखिए कि सवेरे आपका मुंह पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए और वहीं शाम के समय आपका मुख पश्चिम दिशा की ओर रखिए। शिव परिवार को पंचामृत यानी कि दूध, दही, शहद, शक्कर और घी और जल धारा से स्नान कराकर गंध, चावल, चंदन, रोली, सफ़ेद फूल, बिलपत्र और सफ़ेद वस्त्र चढ़ाइए। बड़ा ही आसान है, पंचामृत आप घर पर बना सकते हैं। दूध, दही, शहद, शक्कर और घी ये छोटी सी कटोरी में ले लीजिए और मिला लीजिए, और जब भी शिव पूजन के लिए जाएं शिव को शिवलिंग पर ये पंचामृत अर्पित कीजिए। जल धारा से फिर स्नान कराइए। गंध, चावल, चंदन, रोली, सफ़ेद फूल, बिलपत्र और सफ़ेद वस्त्र शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिव को बिलपत्र बेहद प्रिय है। इसके अलावा भांग, धतूरा भी पूजा में चढ़ाए जाते हैं, ये भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ भोग लगाना चाहते हैं तो सफ़ेद रंग की मिठाई या पकवान का भोग लगाइए। पूजा के दौरान शिव के पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहिए। लगभग 108 बार तो अवश्य ही जाप कीजिए। शिव को धूप व गाय के घी का दीपक जलाकर शिव की आरती कीजिए और पूजा के पश्चात शिव स्रोत, शिव तांडव स्रोत का पाठ कीजिए। अगर इन पाठ को आप नहीं कर सकते हैं तो शिव का भजन कीजिए, और वो भी नहीं कर सकते हैं तो बैठकर वहीं अपने मोबाइल में या किसी भी म्यूजिक सिस्टम में बैठकर शिव के 2-3 भजन अवश्य सुनिए। लेकिन इतना सब कुछ करते हुए भी पूजा में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि अवश्य ही रह ही जाती है। तो पूजा में रह गई जाने अनजाने दोषों के लिए, त्रुटि के लिए भगवान शिव से क्षमा मांगिए। प्रसाद स्वयं ग्रहण कीजिए और दूसरों को भी बांटिए। संध्याकाल के समय शिवलिंग के पास एक दीपक अवश्य ही प्रज्वलित करके आइए। सुबह के समय भी प्रज्वलित जरूर करना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि शिव को जो जलधारा आप अर्पित करें उसमें थोड़ा सा गंगा जल या फिर कच्चा दूध आप इसमें मिला लीजिए। तो इस तरह से आप शिव की आसान तरीके से, सरल तरीके से नित्य सावन में पूजन कर सकते हैं। शिव का नित्य पूजन करने से भोलेनाथ का वरदान अवश्य ही मिलता है। शिव सभी को फल देते हैं। शिव ऐसे एकमात्र देव हैं, महादेव हैं, जो कभी भी अपने भक्त की इच्छा को निष्फल नहीं होने देते हैं। तो आप भी सावन में शिव का पूजन कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर जरूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियां, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय भोलेनाथ।